हेलो एवरीवन, मैं अनीश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में। तो आज 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का सुबह 10 से 11 एक घंटे का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो एग्जाम कंप्लीट हुआ है। तो वो क्वेश्चन पेपर का सेट सी मेरे सामने है और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। तो इस सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या से ही तभी मैं आपको समझा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आपने यदि ये पेपर दिया है तो आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर है, कोई सा भी सेट हो, आप थोड़ा सा क्वेश्चन सर्च करके आंसर्स को देख लीजिएगा और आपके कितने सही और गलत हुए इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ ये मेरे अपने सोर्सेज और नॉलेज के अकॉर्डिंग परफेक्ट हैं और निश्चित तौर पर जो आयोग मॉडल आंसर जारी करेगा तो उसमें भी यही आंसर्स ही आपको मिलेंगे। बाकी जो आंसर्स मैं ले रहा हूं उसको लेकर के आप किसी तरह के ऑथेंटिक सोर्स की बात करेंगे तो मेरे पास पूरा ऑथेंटिक सोर्स है जो आप मुझसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि लोक सेवा आयोग ने, सीजीपीएससी ने कैविएट यूज किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे के प्रोसीजर के लिए। इसके अंतर्गत अब यदि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को लेकर के किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या है तो वह सीधे हाईकोर्ट वगैरह में केस दायर नहीं कर सकता, याचिका नहीं लगा सकता, वह पहले सीजीपीएससी में जाकर के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो अब देखिएगा, आ जाइए क्वेश्चन पेपर में। तो इस क्वेश्चन पेपर को पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। किस लिए? क्योंकि जैसे सीजीपीएससी प्रीलियम्स का पेपर होता है उसमें छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न में आपका जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना भाई? तो इसी तरह से अभी आपका जो एसीएफ का पेपर होने वाला है तो एसीएफ के पेपर में भी पेपर वन में छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुख्य रूप से आने वाला एग्जाम अभी दो सामने हैं, एक सीजीपीएससी प्री और एक एसीएफ का पेपर, पेपर वन। तो उसमें 50-50 प्रश्न ऐसे छत्तीसगढ़ के मिलेंगे। तो यहां से हम एक गाइडलाइन ले सकते हैं कि हमको किस तरह से स्टडी करनी होगी और किस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे बने। और जो ये क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड है सीजीपीएससी का, तो वो हर बार एग्जाम में इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके सामने डालता है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करते हैं। कवच के विषय में सही क्या है? तो ये आयुष कवच मोबाइल ऐप जो है जारी किया गया था। तो आयुष कवच मोबाइल ऐप के विषय में सही क्या है? ये है, ये वही कवच है। ओके, तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संकट के समय निर्मित एक मोबाइल ऐप है, बिल्कुल सही है, और यह शासकीय परामर्श आदेश और जानकारियां देता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कोविड वगैरह में क्या ले क्या ना ले और या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह वो कैसे बढ़ाए, कैसे सावधानी रखें, इन सब चीजों के ऊपर इसमें डिस्कस किया गया है। तो कवच के सही संबंध में सही क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिएगा जो राइट आंसर है उसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो कुटुम्बसर गुफा जो है तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। तीसरा हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कवि खांडे राव की कृति है? तो राधा विनोद जो है कवि खांडे राव की कृति है। इसके अंतर्गत इन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पर, ये दशम स्कंध पर आधारित है और इसकी रचना इन्होंने 1886 में की थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है राधा विनोद खांडे राव की कृति, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें तो किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? तो काकती वंश के शासक दलपत देव ने दलपत सागर बनवाया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में मैंने पढ़ाया भी है और नोट्स में भी ये क्वेश्चंस आपका मेंशन है ना भाई? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 3-4 प्रश्नों को छोड़ करके सारे प्रश्न नोट्स और जो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किए गए थे आप लोग को, जो वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, तो उससे पूरे क्वेश्चन आए हैं। आपने कितना सही बनाया ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए, इसमें काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर है? तो काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल बारसूर में है। तो बारसूर का जो नंदी बैल है वो प्रसिद्ध है और ये किससे निर्मित है? काले ग्रेनाइट से निर्मित है। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो राइट है।
3-4 जो है गलत है। इसमें देखो यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है, बिल्कुल सत्य है ये, और इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो स्टेटमेंट 1-2 राइट है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, है ना भाई। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह के पुरस्कार की घोषणा इसके अंतर्गत नहीं की गई है और मध्याह्न भोजन भी नहीं उपलब्ध कराया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है गोड़। भैंसा दरहा मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है, तो यहां पे देखिएगा 8-9-10 फरवरी को आयोजित हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें मेरे पास अभी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जैसा मैंने देखा, तो फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर इसका 8 फरवरी है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9, सबरी मंदिर कहाँ स्थित है, शिवरी नारायण में, कोई डाउट नहीं है इसमें। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार किस जिले में होता है, तो लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो बस्तर में होता है ना भाई। बस्तर जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन है। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे दल्ली राजहरा दुर्ग वगैरह, तो बीएसपी को फिलहाल लौह अयस्क जो है वो दल्ली राजहरा से दिया जा रहा है ऐसा है वो। छत्तीसगढ़ में हीरा, तो हीरे के जो चट्टान है वो गरियाबंद महासमुंद जिले में मिले हैं, तो फिलहाल जो है गरियाबंद इसलिए अभी प्रसिद्ध है। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, तो छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने इस चीज को बताया था, तो सर्वाधिक जिला किसमें है, बस्तर जिले के अंतर्गत है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जलप्रपात वाली क्लास में देखेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन कवर हुआ है, मुनगा बहार नदी पर, है ना भाई। पामेड़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो बीजापुर में है, बहुत सामान्य प्रश्न है ये भी, आपका नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वीडियो क्लास तीनों में कवर हुआ है। सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो ये है राजनांदगांव, ये भी प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वर्षा सर्वाधिक है, तो ये आपका नारायणपुर है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो देखिए मड़िया उत्पादन के लिए वास्तविक में बस्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है, और कोंडागांव जो है, तो मड़िया का उत्पादन जो है जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में होता है, और कोंडागांव इसका मुख्य क्षेत्र है, तो चूंकि अब बस्तर से कोंडागांव अलग होकर के एक नया जिला बन चुका है, तो मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो इसका सही आंसर होगा कोंडागांव। कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुजमाड़िया, बैगा, बिरहोर, तो इसमें जो है भतरा सही आंसर है, भतरा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तातापानी किस जिले में है, तो तातापानी बलरामपुर जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कोरबा है। कथा संयंत्र सरगुजा, है ना, ये सारे क्वेश्चन सब क्लास में कवर किए हुए हैं। हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता देने के लिए। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के विषय में सही क्या है, तो इसके अंतर्गत 5 से 20 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है, तो सी इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य योजनाओं को सम्मिलित करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत, तो इसमें देखिएगा ये आपका बच्चों के लिए है चिरायु योजना, बच्चों के लिए है आपका चिरायु योजना, स्त्रियों के लिए है आयुष्मती योजना, किशोर व बालिकाओं के लिए है सुचिता योजना, और आम जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है, तो ग्राम पंचायत की क्लासेस में छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे काफी सारे प्रश्न दिए हैं, और अच्छी बात यह है कि जितनी भी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की है सभी क्लासेस में सारा कंटेंट बिल्कुल कवर्ड है, तो जिस भी स्टूडेंट ने छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को स्पेशली मेरे साथ वीडियो क्लास में कवर किया होगा, जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस है, आई एम श्योर कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो आगे इसमें देखिएगा ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, बिल्कुल सही है, पंचों के बीच से उप सरपंच का चुनाव होता है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल जो निर्वाचित पंच होते हैं वही उप सरपंच को चुनते हैं, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, नहीं, उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र दे देता है, नहीं, पंच और उप सरपंच के रूप में दोहरी भूमिका निभाता है, ये सही है। तो पहला, दूसरा और पांचवा इसका सही आंसर है, इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वर्तमान में ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है, सदस्यों के बीच में से अध्यक्ष का निर्वाचन होता है,
और जो सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष को चुनते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सही क्या है? किसी लघुत्तर नगरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। तो बिल्कुल देखिएगा, नगर पालिका परिषद और ग्राम पंचायत का आपका जो संरचना वाला जो पहला क्लास है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो किसी लघुत्तरी नगरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। तो लघुत्तरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत और वृहद निकाय में आपका नगर निगम आता है। तो ये तीन कैटेगरी मैंने पहले क्लास में आपको बताई थी, वही से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है सी, 1 और 4 स्टेटमेंट इसका सही है। क्या सही है? जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है वो पदेन सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के पदेन सभापति होता है, ये बिल्कुल सही है। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, हाँ ये भी सही है आपका। और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है वो समितियों के सदस्य नहीं होते, जिला पंचायत के जो सदस्य है वो समितियों के सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, नहीं। तो इस तरह से 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में हम देखें तो इसमें भी पंचायत की समितियां और उनके कार्य को सुमेलित करना है। जिसमें देखो लेखा कार्य सामान्य प्रशासन समिति का है, यदि सिर्फ ये एक ही आपको मालूम है तो सी का 1 हम चेक करें। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जा रहा है। अब आपने ये टेक्निक यूज किया कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो नोट्स वगैरह है, जो क्लासेस है, उसमें डिटेल में इसको नोट्स में तो बिल्कुल कार्यों को मेंशन किया हुआ है। सही क्या है? राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो एक्चुअली राज्यपाल जो है प्रशासन पर राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत कार्य करता है, लेकिन अधिकतम कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, सही है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी के राइट आंसर है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट सही है। तो छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का जो भाग 6 मैंने पढ़ाया है, तो भाग 6 में राज्यपाल से ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी, उसमें ये सारे डिटेल्स बताए गए हैं। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो संसदीय सचिव राज्य में मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का जो पहला क्लास है वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बिहार, है ना भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये मुंगेली है, ये भी आपका जनगणना वाली क्लास में कवर्ड है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो देखिएगा, विधानसभा की गणपूर्ति के बारे में मैंने आपको बताया है, कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्ति होता है। तो हमारे यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या है कितनी? 90। 90 का अपन 1/10 करते हैं तो ये कितना आ जा रहा है? 9। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर है, 9 सदस्य। गड़िया पहाड़ किस जिले में है? प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है, कांकेर। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष देखिएगा, 1906 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का एक शाखा जो है, कांग्रेस की एक जो शाखा है वो रायपुर जिले में खोली गई, और यह जो है बैरिस्टर सीएम ठक्कर के प्रयासों से खोली गई, और यही इनके पहले अध्यक्ष रहे। कुछ लोगों को इसमें डाउट है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी अध्यक्ष रहे, तो ऐसा नहीं है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कांग्रेस कमेटी में चुने शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया सदस्य है, ध्यान दीजिएगा। पहले छत्तीसगढ़िया सदस्य कौन थे रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के? तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, पर इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? वो बैरिस्टर सीएम ठक्कर जी थे। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो खैरागढ़ रियासत के संबंध में स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट ए,
पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था। खोलवा परगना जो ही जो है वो बाद में डोंगरगढ़ वाले क्षेत्र का अधिकतर, डोंगरगढ़ जमींदारी का अधिकतर क्षेत्र लेते हुए खैरागढ़ रियासत के रूप में बना। तो गढ़मंडला शासक के नियंत्रण में था, गलत है। राजनांदगांव रियासत का भाग नहीं था, डोंगरगढ़ रियासत का भाग था। ये आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, ये सैनिक सहायता वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ए। रतनपुर के कलचुरी वंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ? तो रामचंद्र देव आया हुआ क्वेश्चन है, सामान्य सा प्रश्न है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम था, लिए जाने वाले कर का नाम था टकोली। बहुत पढ़ा है इसके बारे में हमने, है ना भाई? टकोली को लेकर के पूरी स्टोरी आपको छत्तीसगढ़ इतिहास के क्लास में मिली होगी। 10 अगस्त 1942 को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। इसका नेतृत्व किया था रणवीर सिंह शास्त्री ने। तो सीजी हिस्ट्री की क्लास में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सरपंच ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्लास में बताया भी गया है, नोट्स में भी मेंशन है, सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच करता है, यह भी बताया गया है। और यदि दोनों अवेलेबल ना हो तो सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचित करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। तो दोनों ना हो तो ग्राम सभा के सदस्य जो है बैठक के समय ही चुनते हैं कि आज की सभा का अध्यक्ष कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ इतिहास का जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस है उसमें पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया हुआ है, सुतनका नामक देवदासी सीजी हिस्ट्री के नोट्स में पेज नंबर 1 में ही आपको मिलेगा, जोगी मारा गुफा में इसका सुतनका नामक देवदासी का उल्लेख हुआ है। तो 43 का आंसर है बी। राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है? तो राज्य इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की? तो प्रसन्न मात्र, है ना, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो बलीराम आजाद। बिलासपुर में वासुदेव देवरस। तो कोई कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन जो है ना कंप्लीटली सीजी हिस्ट्री में क्लास से नहीं कवर हुआ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्लास से कवर हुए हैं। ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर है C, 1 और 3। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं अंतः विवाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, 1825 आया हुआ क्वेश्चन है ये। और कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? तो राज्यपाल की विधायी शक्ति को कंप्लीट वीडियो सीरीज में पढ़ाया गया है। अध्यादेश जारी करना है, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना है, विधानसभा में आंग्ल भारती का मनोनयन है, विधानसभा को संबोधित करना है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो माय डियर, आपके पास कोई भी सेट हो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस के सीक्वेंस जो है वो इधर उधर हो सकते हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और इन क्वेश्चंस को मैच करते हुए आपने जो टिक किया हुआ है तो आपके कितने सही कितने गलत वो असेसमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा। यदि इस तरह के प्रीवियसली आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मेरा टेलीग्राम चैनल है द CGPSC कोच, सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको फाइल्स में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर प्ले स्टोर में जाकर के द CGPSC कोच टाइप कीजिएगा तो आपको स्पाइटेक ने जो डेवलप किया है द CGPSC कोच का ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में डाउनलोड फोल्डर है, उसमें प्रीवियस ईयर सभी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर लाइक व्यापम है, AP है, आपका CGPSC है और भी जो दूसरे एग्जाम्स हैं, तो सभी के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सिलेबस वगैरह आपको फ्री अवेलेबल हो सकते हैं जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन सभी क्लासेस का डिटेल वहां पे आपको स्टोर में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा डिटेल आपको वहां पे स्टोर में मिलेगा, ठीक है भाई? तो कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो जो भी कोचिंग का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप वहां पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।